हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। चलिए आज आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई ब्रोकली बना के खिलाते हैं। राइट, रेस्टोरेंट में मलाई ब्रोकली जो है बहुत चलती है। आज वही बना रहा हूँ। पानी यहाँ मैंने रख दिया उबालने के लिए। पानी में नमक डाल देंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये लीजिए, और पानी उबलने देते हैं क्योंकि ब्रोकली लॉन्च करनी है। अब ब्रोकली को ले लेते हैं। ये है ब्रोकली। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ब्रोकली के मैं बड़े बड़े पीसेस काटूंगा, छोटे छोटे पीसेस नहीं काटूंगा। ये लीजिए, इस तरह के स्टेम के साथ रख लेता हूँ। आइडली जो मुझे सिखाया गया है वो ब्रोकली के ये जो छिलके हैं वो निकालने होते हैं, ये मैंने सीखा है। और ये सबसे ज़रूरी है, मैं ज़्यादातर शेफ्स को देखता हूँ वो ये चीज़ नहीं करते, ठीक है ना। आइडली ये चीज़ करनी चाहिए। ये स्ट्रिंग भी ब्रोकोली करते हैं, ये देखिए, ये निकाल देना चाहिए। तो ये आप बहुत बढ़िया तरीके से खा सकते हैं, मज़ा आता है आपको खाने में। ये देखिए, ये ब्रोकोली तैयार कर ली हमने। पानी ब्लांच होते ही ब्रोकोली डाल लेंगे। अब एक बोल में ठंडा पानी ले लें। ब्रोकोली जब भी ब्लांच करते हैं बोल में एकदम चिल्ड वाटर या फिर पानी में थोड़ा आइस डाल के तैयार रखें, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी। ये रेसिपी जो है बहुत सिंपल है लेकिन बहुत मज़ेदार है, लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो जैसे ही पानी उबलने लगेगा हम ब्रोकोली डालेंगे और फटाफट निकालेंगे। चलिए, अब पानी काफ़ी गर्म हो गया है, उबलने लगा है, ब्रोकली डाल लेते हैं इसमें। तो ब्रोकली उबालने का तरीका यही है कि आप बढ़िया कढ़ाई में पानी ले लें, नमक डाल लें, पानी उबलने दें और फिर ब्रोकली डालें। फिर जैसे ही उबलने लगे थोड़ी देर, थोड़ा सा घुमाते रहिए। अगर बहुत डीप कढ़ाई नहीं है, जैसे मेरे पास ये कढ़ाई बहुत डीप नहीं है, तो मैं जस्ट टर्न करते जा रहा हूँ ताकि स्टेम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। ऊपर का फूल तो फटाक से हरा हो जाता है और वो हरा होना ही चाहिए ताकि आपको बढ़िया ब्राइट कलर मिले। चलिए, ब्रोकोली हमारी तैयार है। हरी गोभी जिसको कहूंगा, फूल गोभी हरी वाली, ठंडे पानी में डाल लें। चलिए, ये हमने ठंडे पानी में ब्रोकोली को डाल दिया। अब बोल ले लेते हैं एक, या परात ले लें, ठीक है, जिस तरह से आपकी इच्छा होती है। चीज ले लें, चीज को अच्छे से मसल ले, बहुत बढ़िया, चीज मसल ली। रूम टेम्परेचर पे ला के मसलेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है, चीज सॉफ्ट हो जाती है। ये हमने कर दिया ऐसे काम। इसमें थोड़ा सा कॉर्न फ्लावर डाल लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा चम्मच कॉर्न फ्लावर। चीज है करके नमक ध्यान से डालें, नमक शमक करिएगा जरूर लेकिन ध्यान से डालें, बहुत ज़्यादा नमक ना डालें, ठीक है। मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेता हूँ इसमें। इलायची पाउडर है मेरे पास, ये डाल लेते हैं एक छोटा चम्मच। थोड़ा सा नटमेग पाउडर, जायफल पाउडर, ये डालना है। मिक्स्ड हर्ब डाल दें, चिली फ्लेक्स, ठीक है, एक छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब, एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, ये डाल दिया। चाट मसाला ये भी डाल दें एक छोटा चम्मच, वैसे तो ऊपर से डालेंगे। अब इसको वापस मिक्स कर लेते हैं। सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं, मेरा ये अपना स्टाइल है, ठीक है। कॉर्न स्टार्च लेकिन ऐसा है कि ये ज़रूरी होता है ताकि चीज़ और क्रीम अलग ना हो। अब इसमें क्रीम डाल लेते हैं। अब इस मिश्रण को मिक्स कर लेते हैं। जो मेन ट्रिक है मैं आपको बता दूँ, इसको बहुत ज़्यादा हैंडल करेंगे तो क्रीम सेपरेट हो जाती, फट जाती है, इसलिए थोड़ा सा मसलें। जैसे ही क्रीम और चीज़ मिल जाए तो बस अलग कर दीजिए। ये चीज़ क्रीम अच्छे से मिल गया, इसको मैं अलग रखता हूँ। यहाँ पे ये कपड़ा लेते हैं, ब्रोकोली लेते हैं। आइडली ब्रोकोली को थोड़ा सा डार्क करना है आपने, यानी मलमल के कपड़े से या किचन टॉवल से थोड़ा सा आपने ये प्रेस कर लेना ताकि पानी निकल जाए, ठीक है। ये देखिए ब्रोकोली का फूल कितना बढ़िया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसको अलग निकाल के रख देता हूँ। ये ब्रोकोली ली, ये देखिए इस तरह से पूरा लेस कर लें,
तैयार, इसको अलग रख लेते हैं। इसी तरह से बाकी ब्रोकोली लेके प्रेस करना है, मैरिनेड में डाल देना है। आइडियली ब्रोकोली जो है बिल्कुल तैयार है या मैरिनेड में, टिपिकली ये चीज इमीडिएटली ओवन में डाल सकते हैं या ओटीजी में डाल सकते हैं, ठीक है। ओवन या ओटीजी या एयर फ्रायर में ही पक सकती है ये, इसको समय नहीं देना कि मैरिनेट करने के लिए आपको आधा घंटा रखना है, कोई जरूरत नहीं है। ये इमीडिएटली आप ओवन में या ओटीजी में डाल सकते हैं। यहाँ पे अपनी ट्रे निकाल लेता हूँ और सबसे पहले तेल डाल लेंगे, ये जरूरी, ब्रश कर लेते हैं। ये लीजिए, ब्रश कर लिया। अब आइडली ब्रोकोली लेते हैं, ये लीजिए, ये जो भी मैरिनेट अलग हुआ है क्योंकि ब्रोकोली में पानी था करके ये थोड़ा सा पतला हुआ मैरिनेट, उसकी चिंता मत करें। जो बाकी मैरिनेट है वो अभी नहीं यूज करेंगे, पहले ब्रोकोली को पकाएंगे। ये देखिए, ये डाल दिया हमने, अब इसको करीब 8 से 10 मिनट पकाएंगे, ब्रोकोली को अच्छे से पकने देंगे, ठीक है। मैरिनेट जो डला है वो पक गया, फिर उसके बाद जो मैरिनेट बचा है ये वाला, ठीक है जी, ये ऊपर से स्पून करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पून करेंगे ताकि मैरिनेट अच्छे से उसमें चिपक जाए और आपको खाने में मजा आए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, आइए ऐसे में क्या करना है आपने। मैंने इस वक्त क्यों निकाला है ये, ताकि ये जो चीज है ये ब्लैक होने के पहले मैं वापस इसको कोट कर लूं, ठीक है, और ब्रोकोली पे लगा दूं ताकि ये लेयर अच्छे से बन जाए। ब्राउन नहीं होने देना है, क्योंकि ब्राउन हो गया तो फिर वो जला हुआ फ्लेवर आएगा। ये ब्रोकोली में इस वक्त ये थोड़ा सा कोटिंग निकाल के ये ऊपर डाल दीजिए। ये आपके साथ भी होगा जब आप ओवन यूज करेंगे घर पे, ये बिल्कुल होगा, चीज मेल्ट होके नीचे जाएगी और वही चीज आपने यूज करनी है, बचानी है, ताकि आपको चीज का बढ़िया फायदा मिले। देखिए गाढ़ी हो गई चीज, तो अब ये टिकेगी इसके ऊपर। और ये जो मैरिनेट है ये भी मैं यहीं ऊपर डाल दूंगा, सबको साथ में रखते हैं ताकि जब आप परोसे पूरा मलाई मलाई का फ्लेवर आए। आहा वाह, तो वापस अंदर डाल देते हैं। लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चीज को फैलने दीजिए, हम ब्राउन नहीं होने देंगे, उसकी पपड़ी नहीं बनाएंगे, उसको सॉफ्ट रखेंगे। ब्रोकोली भी पकेगी अंदर तक, चीज भी जाएगी ब्रोकोली के अंदर, डबल पका लिया हमने, ठीक है ना। तो 10 मिनट तक और पकाएंगे, 10 पहले बनाया 10, लेकिन बीच बीच में चेक करें, ठीक है ना। ब्राउन नहीं होने देनी पपड़ी, नहीं, वो सॉफ्ट होके मेल्ट हो जाए, उसको निकाल के ऊपर उसकी कोटिंग बना दीजिए और फिर बचा हुआ मैरिनेट डालें, वापस अंदर डालें, वापस उसी लेवल तक पकाएंगे, निकालेंगे, फिर परोसेंगे, मजा आ जाएगा। तो चलिए जी अब चेक कर लेते हैं। दूसरी बार जब आप पकाते हैं ना ब्रोकोली को बचा हुआ मैरिनेट के साथ, तो थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, लेयर जमने देंगे, ताकि आप उसकी कोटिंग अच्छे से कर सके बाद में निकाल के। तो चलिए ये निकाल लेते हैं, ओवन बंद कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। आ क्या बात है, दिस इज व्हाट आई वांटेड, ये चाहिए था हमें, ये देखिए, ये टेक्सचर, ये चीज चाहिए थी हमें कि यहाँ पे सेट हो जाए मैरिनेट और परोसने में आसानी हो आपको और हमको भी आसानी हो। तो ये लीजिए, हम ब्रोकोली के पीसेस उठाते हैं। आहा, पहले पीसेस उठाएं पूरा क्रीम के साथ, वाह जी वाह। अब जैसे मैंने बताया, ये जो है ना, ये निकाल लें, क्या बात, ओहो। अब हल्का सा चाट मसाला, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि क्या है, चीज़ नमकीन होती है, हमने सॉल्ट भी डाला है तो वो नमकीन इफेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो आपकी डिश है वो सॉल्टेड हो जाएगी, ठीक है। मिक्स्ड हर्ब्स आपके घर में जो भी हैं वो थोड़े से डालें, ये आपने काम इंडियन किया है लेकिन ये चीज़ अच्छी लगती है। चिली फ्लेक्स ये ले लें, ये डालें ऊपर, ओहो भाई साहब
ये बन गई है रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई ब्रोकोली। अब घर पे जब भी बनाने की इच्छा हो भाई ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करें, बिल्कुल फेल नहीं होंगे, बहुत मज़ा आएगा। जो लोग एयर फ्रायर में बनाएंगे तो नीचे वाली ड्रिपिंग ट्रे है ना, उसमें सारी क्रीम चीज़ गिरते रहेगी, चिंता मत करिएगा। वो क्रीम चीज़ निकाल के वापस लेस करें ब्रोकोली पे और फिर परोसे, ठीक है ना। 2 से 3 बार आपको एयर फ्रायर में करना पड़ जाएगा क्योंकि एयर फ्रायर में डिपिंग ज़्यादा होगी नीचे वाली ट्रे में, तो एयर फ्रायर में उस तरह से करें। OTG और ओवन में बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो मैंने किया है, फ्राइंग पैन पे अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाएंगे। तो अगर फ्राइंग पैन पे बनाने का मूड है तो मत बनाइएगा, ठीक है ना। कुछ और बना देंगे आपके लिए फ्राइंग पैन में ब्रोकोली के साथ, लेकिन ये मलाई ब्रोकोली ओ हो भाई क्या बात, बना के खाइए।